जी वेलकम बैक। टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका एक और नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर बेसिकली कहते हैं बॉर्डर को, एक बॉर्डर लाइन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। अब आप पूछेंगे सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, उसका जवाब ये है कि आप अपनी कौन सी चीज़ कुर्बान करके सुबह 9 बजे क्लास लेने के लिए आते हैं, नींद। तो एक क्लास की कीमत क्या हुई, नींद, एक घंटा नींद। तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपने एक चीज़ हासिल की मगर उसके बदले दूसरी चीज़ आपने कुर्बान की। आप लोग मार्केट जाते हैं, आपने चिप्स बाय करनी है, तो चिप्स किस तरह बाय करेंगे, भीख मांग के, पैसे दे के। तो जो उस चिप्स की कीमत है, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दोज रुपीस जो कि आप अपनी जेब से निकाल के अपने सामने वाले सेलर को दे रहे हैं। आप कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, पैसा। क्या वो पैसा आपका, नहीं, पेरेंट्स का है। अगर पैसा अपना हो ना तो फिक्र हो, पर चूंकि पैसा पेरेंट्स का लगा होता है तो इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, चिल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर पैसा अपना लगा हो ना तो सर संडे क्या, आप जब कहेंगे हम आने को तैयार हैं। क्यों, पैसे पूरे करने हैं, नाइट शिफ्ट लगाने को तैयार है, शाम में आ जाएंगे। सर आपने बाल पीछे क्यों किए आज, ये क्या है, मतलब आज कल की तारीफ के बाद आपने कहा बस मैं अब हीरोइन बन गई। अच्छा जी, बस 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 भाई की जन्म कुंडली नहीं खोलने को कहा, वापस आ जाए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ही आपने अपना गुजारा करना। फर्ज करें आपके जेब में 100 रुपया, आपने सोचा कि मैं 100 रुपये से अपने लिए एक चॉकलेट बाय करूंगा डेयरी मिल्क। इतने में घर से कॉल आ गई कि आते हुए दवाइयां लेते आना, और इत्तफाकन वो दवाइयां भी पूरे 100 रुपये की आती थी। क्या लेकर जाएंगे घर, चॉकलेट खाते जाएंगे कहेंगे दवाइयाँ नहीं मिली। नहीं, आप लोग दवाइयाँ लेके जाएंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे इंसान हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग माँ बाप के फरमाबरदार हैं। खैर, तो आप लोगों ने चॉकलेट की बजाय किसको तरजीह दी, दवाइयों को। तो दवाइयों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, चॉकलेट। यानी कि वो चीज़ जो कि आपको चाहिए थी आपने अपनी चीज़ को कुर्बान कर दिया और दूसरे की हेल्प कर दी। दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके पास 200 रुपये होते फिर क्या होता, फिर आप दवाइयाँ भी ले लेते और आप चॉकलेट भी। मगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब आती है, जब आपके पास पैसे लिमिटेड होते हैं। अगर पैसे खुले हों तो पैसों की टेंशन नहीं है, तो फिर चीज़ों की भी टेंशन नहीं है। मसला कब आएगा, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। और अगर आपको पहला लेक्चर याद हो, हमने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स के अंदर मसला ही क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, और उसी में हमने अपना सब कुछ पूरा करना होता। घर से पैसे मंगाते हैं जी, वो क्लासेस के लिए चाहिए, और फिर उन पैसों से आप लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहे होते हैं। घर से पैसे मंगाते हैं, अबू जी वो जो CA की बुक्स है ना, वो 7,000 रुपये की तो बस कुछ नोट्स आते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि पेरेंट्स के पास नॉलेज इतनी नहीं है, और शैतान भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं शैतान हूँ या ये शैतान ज़्यादा। और जब पैसे आते हैं तो फिर आप यहाँ पर शो ऑफ मारना शुरू हो जाते हैं, देख तेरे भाई के पास पैसा ही पैसा, कितना पैसा चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है ट्रेड ऑफ। ओ भाई आजा वापस, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ट्रेड ऑफ।
ट्रेड ऑफ मीन्स कि अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है तो आपको कोई चीज अपनी कुर्बान करनी है. टू गेट समथिंग वी मस्ट फॉरगो समथिंग एल्स. कुछ पाने के लिए कुछ. राहुल तुम नहीं समझोगे ये डायलॉग तो पता नहीं. तो बेसिकली इकोनॉमी में अब क्या होता है. मैंने गाना बजाने को नहीं कहा था. अभी जो हम लोगों ने एक मिसाल की थी चॉकलेटों की और दवाइयों की, अगर आप गौर करें तो एक प्रोडक्ट आपको चाहिए था और एक प्रोडक्ट घर वालों को चाहिए था. ऐसा ही है. इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ. एक प्रोडक्ट आपको चाहिए और एक प्रोडक्ट स्टेट को चाहिए. स्टेट बोले तो गवर्नमेंट. और आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड. तो पीपीसी बेसिकली दो तरह के गुड्स के दरमियान बनता है, एक कैपिटल गुड और एक कंज्यूमर गुड. एक कैपिटल गुड और दूसरा कंज्यूमर गुड. कैपिटल गुड मींस ऐसे गुड्स जो कि स्टेट को रिक्वायर होते हैं, और कंज्यूमर गुड्स मींस ऐसे गुड्स जो कि एक नॉर्मल बायर अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के लिए खरीदता है. हम नॉर्मली यहां पे मिसाल लेते हैं गन्स, वेपन्स, टैंक, जहाज. कहां पे? कैपिटल गुड में. और कंज्यूमर गुड में क्या आता है? नेसेसिटीज. कुछ भी आप ऐड कर दें, ब्रेड कर दें, आटा कर दें, घी कर दें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें. इसको अगर मैं डिफाइन करूं, बास्केट ऑफ गुड्स. कौन से गुड्स? दोनों, कैपिटल भी और. तो यहां लिख देते हैं इट इज कैपिटल प्लस दैट कैन बी प्रिपेयर्ड या दैट कैन बी बॉट बाय यूजिंग ऑल स्केर्स रिसोर्स. जितने आपके पास पैसे हैं, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे वहां पे लगा दें और उसको यूज करें एफिशिएंटली. ये वर्ड एफिशिएंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, बेशक सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप कभी भी कुछ अच्छा हासिल या कुछ बेस्ट हासिल नहीं कर पाएंगे. तो आपको अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना, यानी कि लॉस शुड बी मिनिमम. लॉस शुड बी मिनिमम. कुछ अजम्पशंस हम लोग लेकर चलते हैं. नंबर वन, अज्यूम करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं. दूसरी अजम्पशन हमारी ये होती है कि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं. और ये मॉडल कितने गुड्स पे फैला हुआ है? टू गुड्स पे, और कोई चेंज टेक में नहीं. यहां तक क्लियर है? अब आगे आ जाए, निकालते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मुझे बताइए, पॉसिबिलिटी ए, सारा का सारा मैं क्या बाय कर रहा हूं? कंज्यूमर गुड. और कैपिटल गुड कुछ भी बाय या प्रिपेयर नहीं कर रहा. जैसे ही मुझे कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई हमें एक कैपिटल गुड बना के दो, अब मेरे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड. तो इस एक कैपिटल गुड को बनाने के लिए मुझे कितने कंज्यूमर गुड्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी? 10. तो माइनस 10 और प्लस 1, रेशो क्या आएगी? 10:1 ये नीचे आएगी, 10:1 ऊपर क्या आएगी? रेशो, कोई रेशो नहीं, रेशो आएगी. अच्छा जी, नीचे आ जाए. गवर्नमेंट ने कहा मुझे मजीद कुछ चाहिए, मुझे मजीद एक यूनिट चाहिए, एडिशनल एक यूनिट चाहिए. उसके लिए मुझे कितना एडिशनल काम करना पड़ेगा? उसके लिए अगर एक प्लस करना है तो यहां पे कितना कुर्बान करना पड़ेगा? 20. गवर्नमेंट ने कहा मजीद एक चाहिए,
तो अभी 70 से कम होकर कहां पे आ गया, 40 पे, कितना कम हुआ। और मजीद एक, तो मजीद 40, शुरू में जीरो यहां पे था, एंड में जीरो कहां पे आया। शुरू में जब मैं पॉसिबिलिटी ए की बात कर रहा था तो मैं सारा का सारा क्या बना रहा था, और एंड के ऊपर मैं सारा का सारा क्या बना रहा हूं, कैपिटल बना रहा हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, y2 - y1 / x2 - x1, आपको दिखाता हूं, y2 - y1 x2 - x1। ये देख लें, गन्स और ब्रेड, कॉम्बिनेशन ए, कोई गन नहीं तो कितनी ब्रेड्स मेरी बन रही हैं, 100। एक गन बनाने के लिए मुझे कितनी ब्रेड्स के रिसोर्सेस को नुकसान करना पड़ेगा, 10। एक और बनाने के लिए कितना, 20। एक और बनाने के लिए कितना, 30, और एक और के लिए 40। ये सारी कुर्बानियां मैं दे रहा हूं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गन्स। मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूं, ब्रेड। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, गन्स की है या ब्रेड की है, टू गेट समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग, ये गन्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि एक गन बनाने के लिए हम कितनी ब्रेड कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, इसका जो कर्व बनता है इट इज समथिंग लाइक दिस, ऑल्दो मैंने वहां पे बनाया हुआ है मगर मैं एक्सप्लेन यहां से कर देता हूं। आप ये देख रहे हैं ऊपर हम लोगों ने ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन ड्रॉ किए थे, ए बी सी डी। अगर मैं इसको ग्राफ पे लेकर आऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे, ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कनकेव या कन्वेक्स है, मैं जरा आपकी फिजिक्स उजागर कराऊं, कनकेव है, कनकेव है, ये कनकेव है, तो इट इज कनकेव टू द ओरिजिन, और ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि आप ए से कहां पे गिर रहे हैं, ई पे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, तो ये कर्व कौन सा होगा, कनकेव कर्व, एंड इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जस्ट लाइक डिमांड कर्व। डिमांड कर्व भी क्या था, डाउनवर्ड स्लोपिंग, मगर वो कनकेव नहीं है, वो क्या था, वो स्ट्रेट था, और ये कनकेव। ये देख रहे आप ए बी सी डी और ई, ये वो पांच पॉइंट्स हैं जहां पे आप अपने रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि इससे अच्छे ही कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिल सकते, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, चाहे ए की हो, बी की हो, सी की हो, डी की या ई की, हर वो पॉइंट जो कि इस बॉर्डर से अंदर की तरफ है, जिस तरह फर्ज करेंगे हम पॉइंट एम ले लेते हैं यहां पर, ये पॉइंट कौन सा है मुझे बताइए, जो पॉइंट एम है क्या ये अटेनेबल है या नहीं, है अटेनेबल है, क्योंकि इस बॉर्डर के अंदर है, यानी कि यहां पे हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं, अटेनेबल है, मगर क्या ये एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है, नहीं। एफिशिएंट होने के लिए उसको कहां पे होना चाहिए था, इस बॉर्डर लाइन पे होना चाहिए था, और एक पॉइंट एन भी तो है जो कि इस कर्व से बाहर है, वो ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, अगर उसको अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, तो मेरा कर्व लेफ्ट वर्ड जाएगा या राइट वर्ड जाएगा, राइट वर्ड जाएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये जो आपने रिसोर्सेज बढ़ा ली हैं, जो बढ़ाएंगे, ये कहलाती है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहलाती है, इकोनॉमिक, अब देखें, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपने अपने रिसोर्सेस इतने बढ़ा लिए कि आप पॉइंट एन को अचीव कर सकते हैं। अब जरा मुझे बताइएगा, अब मेरा बॉर्डर ए बी सी डी ई वाला माना जाएगा या एन वाला माना जाएगा, अब
ए बी सी डी और ई अटेनेबल है, मगर क्या मैक्सिमम इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं. क्यों? अब हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए हैं. अब जो पहले हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे थे, वो रिसोर्सेज बढ़ने के बाद मैक्सिमम, ये वही बात आ गई कि पहले जेब में कितने पैसे थे? 100 रुपया थे. तो 100 में से अब आपको ट्रेड ऑफ करना था, या मैं अपने लिए कुछ ना लूं और घर वालों के लिए दवाई ले जाऊं, या अपने लिए सब कुछ ले लूं और घर वालों के लिए कुछ ना लेके जाऊं. बट अगर जेब में 200 रुपया हो तो दोनों चीज़ें आप बाय कर सकते हैं, फिर आपको पैसों की टेंशन नहीं. अच्छा जी, इसमें अब दो बातें बस रह गई हैं. नंबर वन, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि ट्रेड ऑफ है बिटवीन टू गुड्स, एक बढ़ेगी और तो दूसरी कम होगी. रिलेशन क्या है? इनवर्स. तो बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट. सेकंड पॉइंट, इट इज कनकेव टू रीजन. क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, कम हो रही है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है. पहले वाले में कितनी है? 10. फिर कितनी हुई? 20. फिर कितनी हुई? 30. फिर कितनी हुई? 40. तो 10:1, 20:1, 30:1 और 40:1. इस वजह से इट इज कनकेव टू ओरिजिन. और ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. आप समझ आइए कि मैंने ये बाद में क्यों करवाया, ताकि आप वहां से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पहले पढ़ रहे हैं, अब आपको ये बात समझ आएगी. अदरवाइज अगर मैं ये पहले करवाता तो आपको ये चीज समझ नहीं आनी थी. और सम रिसोर्सेज आर नॉट कंपैटिबल फॉर सम गुड्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेज को स्विच करना पड़ेगा. कभी जैसे फर्ज करें, जेब में 100 रुपया था, मगर वो 100 रुपया फटा हुआ. अब ना उससे दवाई आ सकती है ना उससे, तो आपको, हाँ, आपको रिसोर्सेज को यहाँ बदलना पड़ेगा या उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. टेक लगाना क्या है? इम्प्रूवमेंट. और बदलना क्या है? चेंज. तो फिर आपको किसी दोस्त से पैसे उधार मांगने पड़ेंगे, या कहीं और से वो 100 रुपया हासिल करना होगा, मजीद काम करना पड़ेगा ताकि वो 100 रुपया आप फिर से कमा सकें. याद रखवा समझ आती. लैंड ए इज मोर फर्टाइल फॉर राइस क्रॉप्स एंड लैंड बी इज फॉर कॉटन. बाय स्विचिंग लैंड ए फ्रॉम राइस क्रॉप टू कॉटन, वी विल गेट लिटल ऑफ कॉटन बाय सेक्रीफाइसिंग मच ऑफ. लैंड ए किसके लिए था? राइस के लिए. बी किसके लिए था? कॉटन के लिए. हमें क्या चाहिए? ज्यादा कॉटन. मगर हमारे पास कॉटन के लिए लैंड कौन सी है? बी. तो नजर किस पर जाएगी? ए पे. के ए अब राइस ना बनाए, क्या बनाए? मगर क्या ए का फीचर कॉटन बनाना है? नहीं. मगर हम इससे कुछ ना कुछ कॉटन निकाल सकते हैं, जिससे नुकसान क्या होगा? राइस. जो चीज़ वो बना सकता था अब वो बनाएगा नहीं, और आपने उसको एक नए काम पे डाल दिया, जिसकी प्रोडक्शन क्या होगी? कम. मगर लॉस क्या होगा? ज़्यादा. जो चावल उग सकते थे अब वो उगेंगे. सो दिस इज पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. अच्छा जी, अब हम लोगों ने बात करनी है एक और बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारा आज का आखिरी टारगेट है. अच्छा, कल आपको एक सफ़ा आया होगा, जरा उसका पेज 4 और पेज 5 पढ़ें, मुझे बताएं पेज 4 पेज 5 में कोई इशू. सॉरी, 4-5 नहीं, 5-6. तब तक आप उसको रीड कर लें, तब तक हम ब्रेक कर लेते हैं और अगली क्लास को फिर बाद में स्टार्ट करते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.